हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। 25,000 के आसपास रियलमी एक धमाकेदार फोन लॉन्च कर दिया है, रियलमी GT मास्टर एडिशन। जिस प्राइस में लॉन्च किया है उसी प्राइस के आसपास पोको के तरफ से पोको F3 GT आता है और ये एक गेमिंग फोन है। आज इस वीडियो में इन दोनों फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा इन दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट है या कौन सा फोन आप लोगों को लेना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। पोको F3 GT में बैक साइड की तरफ ग्लॉसी पैनल देखने को मिलता है, ग्लास बैक दिया गया है, बहुत सारे एंटीना लाइन वगैरह आया है। जैसे लगेगा, देखकर ही लगेगा ये एक गेमिंग फोन है। और हाथों का निशान वगैरह उतना ज्यादा नहीं आता है, क्रैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता है ग्लास बैक के वजह से। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो सबसे बेकार है, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ जो वॉल्यूम अप डाउन बटन है वो बाहर आ गया है। उससे पहले और एक चीज बता देता हूं, पोको F3 GT का मैं वाटर टेस्ट किया था और वो यूनिट डैमेज हो चुका है। कैमरा के अंदर पानी वगैरह चला गया है तो उसको मैंने रखा हूं और दोबारा एक दूसरा यूनिट में मंगाया हूं रिव्यू वगैरह देने के लिए। तो इस यूनिट में भी प्रॉब्लम है, इसका जो वॉल्यूम अप डाउन बटन है वो बाहर आ गया है, इतना बेकार बिल्ड क्वालिटी है। और राइट साइड की तरफ एयर टिगर वगैरह दिया गया है, जिसके वजह से दूर से ही लगेगा ये एक गेमिंग फोन है। रियलमी GT मास्टर एडिशन में बैक साइड की तरफ लेदर बैक दिया है, जिसके वजह से क्रैचेस वगैरह नहीं आएगा और हाथों का निशान भी नहीं आएगा, एक प्रीमियम जैसा फील देगा। लेदर बैग रियलमी बहुत दिन के बाद एक स्मार्टफोन के ऊपर लेकर आया है और लेदर बैग पर्सनली मुझे अच्छा लगता है और इसका डिजाइन बिल्कुल अलग है। तो आप लोग यहां पे देख लीजिए, दोनों का डिजाइन बहुत सारे लोगों को अलग अलग पसंद है, तो दोनों का डिजाइन अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। पोको F3 GT थोड़ा हेवी फील देगा क्योंकि इसका जो वेट है वो 205 ग्राम है और उसी जगह में रियलमी GT 175 ग्राम है, तो रियलमी का फोन उतना हेवी फील नहीं देगा। लेकिन पोको F3 GT थोड़ा हेवी फील देगा, दिक्कत दे सकता है अगर आपके हाथ थोड़ा छोटा है तो। परफॉर्मेंस के पास देखोगे, पोको F3 GT में मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 चिपसेट, काफी पावरफुल चिपसेट है। इस फोन का जो अंतुतु स्कोर है वो 6 लाख के आसपास है। इस फोन में मैं बहुत सारे गेम वगैरह ट्राई कर चुका हूं, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया काफी अच्छी तरीके से चला है, कोई भी लैग वगैरह कुछ भी नहीं है, स्मूथली चला है। HDR करके भी आप खेल पाओगे और स्मूथ एक्सट्रीम करके मैं खेला था, इतना अच्छा चला मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। आप लोग मेरे गेमिंग चैनल में जाके इसका डिटेल गेमिंग रिव्यू भी देख सकते हो। लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, पोको F3 GT बहुत हीट होता है। मैं 15-20 मिनट तक बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को खेला था, उसके बाद इतना ज्यादा हीट हो गया है मैं हाथ में लेकर ही खेल नहीं पा रहा हूं, इतना ज्यादा हीट हो चुका है, लगभग 50 के आसपास चला गया था। तो इसका माइनस पॉइंट है गेमिंग के मामले में। रियलमी GT मास्टर एडिशन में मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट, ये भी काफी पावरफुल चिपसेट है। इसका जो अंतुतु स्कोर है वो 5,41,000 के आसपास है, तो थोड़ा डाउनग्रेड है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 से। लेकिन इस फोन के ऊपर मैं अभी तक बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या किसी भी गेम वगैरह नहीं खेला हूं, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं कि कितना अच्छा चलेगा। फोन आने दो, हम लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि कितना अच्छा चलता है। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 जो प्रोसेसर है ये हीट नहीं होता है, सिर्फ इस फोन में हीट होता है, क्योंकि मेरे पास OnePlus है, ये फोन उतना ज्यादा हीट नहीं होता है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखना। डिस्प्ले के पास देखोगे, Poco F3 GT में मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। यहां पे सुपर AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलता है। वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस है, जो कलर कंट्रास्ट वगैरह है, जो सैचुरेशन वगैरह है, बहुत सारे कलर एक साथ आप देखोगे काफी अच्छी तरीके से दिखाई देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सुपर डिस्प्ले है, कोई भी दिक्कत नहीं देगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, अगर आप ज्यादा गेमिंग या स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो तो इनहेंस हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। 500 निट्स ब्राइटनेस दिया है, मैं आउटडोर में इस फोन को यूज कर चुका हूं, आउटडोर में काफी अच्छी तरीके से दिखाई देता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉर्निंग कोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है, तो ज्यादा क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएगा। रियलमी GT मास्टर एडिशन में मिलता है 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, काफी अच्छा डिस्प्ले आपको एक्सपीरियंस मिलेगा।
मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, तो स्क्रॉलिंग या गेमिंग में ज्यादा इनहेंस या स्मूथ हो जाएगा, अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। 1000 निट्स ब्राइटनेस दिया है, आउटडोर में काफी अच्छी तरीके से देख पाओगे। पोको F3 GT से डबल ब्राइटनेस दिया गया है, तो आउटडोर में कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके डिस्प्ले में कॉर्निंग कोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो यहाँ पे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बाजार में बहुत सारे टेम्पर ग्लास मिलता है, वो खरीद कर लगा लेना, ताकि आपके जो फोन का डिस्प्ले है वो सही सलामत रहे, क्रैचेस वगैरह ना आए, टूटे ना। बैटरी के पास देखोगे, बैटरी में पोको साफ साफ विनर रहता है। यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी मिलता है। इसका मैं बैटरी डेंटिस्ट किया था, कंटिन्यू मैंने यूज किया था, गेम वगैरह खेला था, कैमरा ओपन करके रखा था, यूट्यूब में वीडियो प्ले कर दिया था, तो स्क्रीन ऑन टाइम मुझे 7.5 से 8 घंटा दिया है। सबसे बड़ी बात है फ्लैगशिप फोन 7 से 8 घंटा देना, सबसे बड़ी बात है। Realme GT Master Edition में मिलता है 4500 mAh का बैटरी, ये भी काफी पावरफुल चिपसेट है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, बैटरी में साफ साफ यहाँ पे हमेशा पोको इनर रहेगा, क्योंकि इसका बैटरी एक्सपीरियंस में कर चुका हूँ, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। चार्जिंग के पास देखोगे, पोको में 67 W का चार्जर दिया गया है, फुल चार्ज होने के लिए 55 मिनट लगता है। उसी जगह में Realme के फोन में फुल चार्ज होने के लिए टाइम लगता है 35 मिनट के आसपास, क्योंकि 65 W का चार्जर दिया गया है। अब लोग बोलोगे पोको के फोन में ज्यादा बैटरी है इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, उतना ज्यादा बैटरी भी नहीं है कि लगभग 20 मिनट के आसपास टाइम लगेगा ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है चार्जिंग के बारे में, ज्यादा टाइम लगता है। कैमरा के पास देखोगे, पोको में बैकसाइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64:8:2 बैकसाइड की तरफ 4K आप 30 FPS करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और फुल HD 60 FPS करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। उसी जगह में Realme GT Master Edition में मिलता है बैकसाइड की तरफ ट्रिपल कैमरा 64:8:2 और बैकसाइड की तरफ 4K 30 FPS करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। मैं आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूं दोनों फोन का कैमरा सैंपल कंपेयर करके, क्योंकि Realme GT Master Edition मेरे पास नहीं है, ब्रांड हम लोगों को फोन नहीं बेचता है, खरीद के रिव्यू देना पड़ता है, तो फास्ट सेल में हम लोग खरीदेंगे, उसके बाद आप लोगों को रिव्यू पहुंचाएंगे। अभी चलिए लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्राइस के बारे में। पोको F3 GT का जो प्राइस है 6GB 128GB 27,000 rupees में, 8GB 128GB 29,000 rupees में, 8GB 256GB 31,000 rupees में। उसी जगह में Realme GT Master Edition मिलता है 6GB 128GB 27,000 rupees में, 8GB 128GB 28,000 rupees में, 8256 30,000 rupees में मिलता है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं दोनों फोन में से कौन सा फोन आप लोगों को बाय करना चाहिए। मैं यहां पे पोको F3 GT लेने के लिए मना कर दूंगा साफ साफ, आप लोग मत लेना, इस फोन में भर भर के प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, मैं वाटर टेस्ट किया था, 1 मिनट तक वाटर टेस्ट किया था, मैं लगभग सारे फोन का वाटर टेस्ट करता हूँ, कुछ भी फोन डैमेज नहीं होता है, लेकिन पोको डैमेज हो चुका था, कैमरा में पानी वगैरह चला गया था, कैमरा ओपन नहीं हो रहा था। आप लोग मेरे प्रॉब्लम वाला वीडियो देख सकते हो कार्ड में, यहाँ पे या यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना। तो इस फोन डैमेज हो चुका था। उससे भी बड़ी बात, इसका बिल्ड क्वालिटी बेकार है। यहाँ पे साइड में मेटल दिया गया है, लेकिन वॉल्यूम अप डाउन बटन बाहर आ जा रहा है, पावर बटन भी कभी कभी बाहर आ जा रहा है, यहाँ पे जो टिगर का ये जो स्विच है ये भी कभी कभी बाहर आ जा रहा है। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी पसंद नहीं है, बहुत ही बेकार है, अच्छी तरीके से कस्टमाइज करके पोको को देना चाहिए था। और तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, इसका हीटिंग प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा हीट होता है, इतना हीट होता है 20 मिनट के बाद आप गेमिंग कर रहे हो तो हाथ में लेकर खेल ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा हीट होता है। मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाया हूं, आप लोग यहां पे देख सकते हो। और दूसरे तरफ मैं कहूंगा आप लोग Realme के फोन लीजिए, Snapdragon का प्रोसेसर उतना ज्यादा हीट नहीं होता है, ऐसे भी MediaTek Dimensity 1200 भी उतना ज्यादा हीट नहीं होता है, मैंने जैसे कि बोला OnePlus उतना ज्यादा हीट नहीं होता है, तो इस फोन में दिक्कत है, इसीलिए मैं साफ साफ आप लोगों को मना कर रहा हूं पोको F3 GT लेने के लिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से बता रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। तो इतना कंपैरिजन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।